देखो सिपाही किशन क्या कर रही है। आए अगर कप कप कौन कुमारी नाव से। अरे कर कंचन कुमारी। कंचन कुमारी हमर गरीब आदमी से नाव नहीं हमार के बढ़िया से बोल नहीं है बुझे ले आओ। कंचन कुमारी ये लोग को कहना है ये दस पूर्वा राज मोहम्मदगर है जहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं जाते हैं। और मैं रात में सोई हुई थी तो स्वप्न में देखे कि राज मोहम्मदगर में पारस बने पत्थर है अस्सी मन का तलवार है माँ देवी प्रगट रहा करती है कोई चीज का कमी नहीं है। लेकिन तीन समान इस राज में नहीं है चंदन चरखा कटक हिलोरा मरवन बाजा। और जब तक मरवन बाजा नहीं आता है राज मोहब्बा का कोई नाम निशान नहीं रहेगा और ना तुम्हारा घर पर कोई दिखने वाला आएगा तुमको शादी नहीं होगा। क्या ऐसा करो यहाँ से चलो ये लोग को नाम नहीं कहना ना हमको नाम कहना और तुम यहाँ से जाकर के को भवन में सो जाना। सो जाने के बाद तुम्हारी माँ आएगी कहेगी भोजन करने के लिए बेटी चलो तुम भोग खुलाएंगे बैठ जाना। ठीक है दरबारी मैं अपनी माँ से ये तीन सामान अवश्य मांगूंगी। हाँ शादी हो जाएगा। ठीक है चलो यहाँ। अरे तीर नगर पा सारा कमरिया में कमरिया में फातिमा जाए आए खदरिया अरे खुशी रहो गोर लागे छुआ। अरे खुशी रहो गोर लागे। अरे हमरा जड़ से गोर लागे दाबे रही जब मैं खुशी कर रहा हूं गोर लागे छिदर लागे। ई कौन भाषा है छिपी तई देते सब लिसनो। आज हमारे बेटी कंचन को आंख में आंसू है। अरे कोई तो गाली तो नहीं दिया है। गेल रहल बगीचा घूमे ल कनो ठाण हर गिर गेल होतै आई तुम। अरे पूछो क्या हो रहा है। अच्छा मलकन पूछ लई है हम। अरे अरे पूछिएगा कि पूछ लेंगे वह बात भोग भोग फूले में। हां दरबारी मैं अपनी मां से ये तीन सामान मांग के रहूंगी। अरे क्या हुआ अपने आप से पूछो हमरा से नहीं बोलो। अरे तेरे भी खाना नहीं देंगे समझ गए। कल को हम अपना माँ से कहे वो बोलेगी कोना बात। अरे ठीक है बेटी कंचन बोलू क्या ऐसी बात है।
आज आंख में आंसू जा रहा है, ये बताओ पूरा शरीर की क्या हुआ? आ मैया सुनो ला, आ सोना सुकमा, आ लगला लला सा मैया बेटिया के समान मैया जियो मैया जी के ए बेटिया बा सुना ले लईगे ई कंचा नया ए हलवा बता दे बेटी हाय रे मैया जी ओ तीन गो समान मैया जी हो मांगवा क्या तीन समान आज तीन गो समान मैया अरे बोलते नहीं हो मैया है सुन रहे सुन सुन आज तीन गो समान मैया पहले क्या है अरे शरीर कहाँ पर है? एक सौ आठ सासू जा रहा है और तीन समान क्या है? क्या तीन समान है? ठीक है दिया थोड़ थोड़ है। अरे जल्दी बोलो नहीं तो मुंह फोड़ देंगे तेरे, समझ गए? आवाज तो अपनो खाएगा हम लोग खेलेगा बोल दरबारी कि हमें कहे दिया मालिक नहीं माँ मैं अपनी माँ से ये तीन समान मांग लेती हूँ। महिला हमारा कोई दोस्त अरे क्या है हमारा कल कर तुमको नहीं कहूँगी अरे बताओगे कि नहीं? हे माँ मुझे तीन समान चाहिए माँ। तीन समान? हाँ माँ। अरे तीन समान को तो नाम तो होगा, क्या नाम है? राइफल बंदूक फुसको। हे माँ उस तीन सामान के नाम है चंदन चरखा और कटक खिलौड़ा और मरवेल बाजा। अरे पहले जहारा बा ढोलकिया के खिलाई। अरे हमारे शरीर में आग लग रहा है और तू हमरा हमें ठीक ठीक से हमरा क्यों ये बताओ? मैं अपने नैना घर सचिव दिन से आई हूँ राज महबा, आज तक कभी नहीं तीन समान देखे हो। अये तीन समान के नाम ले रही है चंदन चरखा कटक खिलौना और मनवन बाजा। बेलकैनी लॉकडाउन में जन्म लो। अरे अच्छा यार तक हमें आर के केत हो रही है बढ़ैत बढ़ैत इतने उभलिए आए तक नहीं देख लिए। ये बताओ ये तीन समान आज तक हम नहीं देखे हूँ। स्वामा में मेला लागल छे बड़ी करगर मेला है। हाँ हाँ तो क्या होगा वहाँ मिले हो? कैसा बेकुब लड़का है तीन समान जानता हो? रक्षा रावे के नहीं छह रास्ता यह लग समान बोला नहीं अच्छा इधर पुल बने हुए इधर सुनो जाके समझा दो कंचन तुम्हारी को जो खाना खा लेगी और अपनी परसाली चली जाएगी, समझ गए? यार क्या क्या चाय बिस्कुटर मांगे तो सलंदर और छबियन कर। अरे सभी व्यवस्था है से अपने यहाँ चाय यार पीवियन के लिए
गायब था, सलंदर और सलंदर था। अरे माय काल को अपन नाम नहीं ले लेने तो सोचना तोड़ दे। नहीं माँ, ये तीन सामान मुझे मंगा दीजिए माँ। अरे इधर सुनो, खाना खा लो और अपनी परसाली के रास्ते धर लो, समझ गई? नहीं माँ, तीन सामान मुझे चाहिए माँ, मुझे तीन सामान मंगा दीजिए। अरे मंत्री इधर सुनो, ये बताओ ये लड़की जी बोले माँ मैं अपनी बगीचा जाऊंगी। हाँ ये बात तो बोल रहा हूँ, मैं तो सखी सहेली को बुला दिया, आपको भी साथ कर दिया और बगीचा घूम के आई। आइए कहती है माँ हमारे तीन सामान चाहिए। बाहर वाला हवा लाए गले। इधर सुनो, एक कहेगा आकाश में हमारे सीढ़ी लगाने के लिए तो लगा देंगे रूपा ना। अरे देखोन भुइयार में फूल बने, देखोन मुंह फोड़ दो समझा नहीं। अब बड़का है बहुत हियाँ, देखोन फूल बनवाल रहता। जाओ उनको समझाओ और नहीं तो हमारे से खराब कोई नहीं मिलेगा, समझ गए? समझा दे छे, पढ़े लिखे वाली बच्चा छे, अखै नगरार संस्कार इन्हें अब कंचन कुमारी। हाँ दरबारी, हमार बात मानो हो क्या? हमार बात मानो हो तो तीनों सामान मिल जाता। बताओ तो आ रखन पढ़े लिखे वाली छो, आ माय बाप का छै ते ई सब चीज नहीं मिले तो बकारे। हाँ दरबारी, कहियो माय कहे जब तक हमको तीन गो सामान नहीं दंगी तब तक नहीं खाबूंगी। तुम्हारे भरे नहीं चक्कर नहीं खाऊंगी। अरे नहीं खाऊंगी, हमर मर्दनवा छीन खाऊंगी भाई। ठीक है समझा गलिए, कह गलिए झोला में के स्कूल ले ले किताब में देख पा। अरे वैसे बोलता है, झोले में अपनी किताब ले लो। किताब भरते ही स्कूल बेटी। माँ हाँ, मैं धीमी भेड़ पड़ती हूँ माँ, ये तीन सवाल मुझे मंगा दीजिए माँ। आ बेटिया बागे सुन ले, आ कंचन के हवा, हाइगे मैया ए मान ले बचाना गई बेटी ईश्वरमा के या ए भूलियो न जाई गे बेटी हाय तो इसको मैं माना करती हूँ। नहीं जा, नहीं जा, ये मान नहीं रहे। आ गई
अरे भूल जाए फिर सवाल के नाम नहीं तो चीप बजा कर छिप लो हरिपुर के रहने वाले जो 12 रुपये का पुरस्कार दिए हैं हमारी कंपनी को से बहुत बहुत शुक्रियाना है। की करेगा समझा फिर ध्यान दे। अरे चल समझाने के लिए अगर बात नहीं बुझेगी तेरा बीच में पकड़ के खींच लेंगे समझ गए। हमार का है कि मैं यह तो ता नहीं जन्मल हो रहा माइक दुआ हो रहा इन्हें आओ। अरे अरे छड़ आ रहे की काय छ समझाबै छ मु फोड़ दबो जरा कर मैं तोहर छोरा हां दादा आज तक न तीरथ व्रत न कोई कुछो खरीद बिक्री न बेचारे के लहरा छै नहीं आना तो कह दो मैं के नहीं जाबूंगी हम तीन गो सामान हमको नहीं लेना है आ तो यहाँ से चली है छोटकी मलकैन के पास सती फूला एक नंबर सती अगर तो कह दल हो ना दरबारी छोटी रानी के कह दबो जमरा ये तीन गो सामान तो जहाँ से हो अगर कह दल को तो चाहे जान जाए या नहीं जाए। अरे क्या हुआ वह कहे छे जान जा रहल छ तोरा वे सब को की जरूरी है पढ़ो लिखो हां हां जाओ समझाओ वह कहे छे राजा के बेटी जो ये सब चीज तोरा के मंगेना है जरूर छ तब तोरा के देखो पर तोहार करते आवे छ ते तो माय के जे हम नहीं ठीक है दरबारी मैं भी जाती हूं मां हां हां मुझे तीन सामान नहीं चाहिए मां। ठीक है बेटी देखो कितना प्यारे हमारी बेटी है। अरे बहुत पूछती है बात हमें समझा दे। हां हां हमरा नमन ठोस ला हो नमन ठोस देंगे कि बोलने की तमीज नहीं है। दुकानदार कहे नमन ठोस दोख नहीं नमन चूस बोलो। अच्छा ठीक है बेटी खाना खा लो और अपने परसाले की रास्ते धर लेना। ठीक है मां अब पहुंचा जाए पहुंचा दीजिएगा ना। हाँ पहुंचा तो हम ले ले। अब चलिए मैं आज
सुन बाबू सोना माखिया रखा कि हमारे हाईवे आहे लागैला हारबा आहै नारा पतरा हे लागैला हार खिला ना पिताजी के नाम आ ससुर जी के
नामा बीरा जसर सी सासू हमारी है ला गई सती देवना आप अपने तरफ से इन पार्टी के लिए पान भेजने का कृपा करेंगे देखो परी दीदी को बोली ऐसे है कहे मलके तोर लहरा के मन पर आप क्यों परी दीदी तुम्हें कुछ नहीं देते अच्छे से हमरा के बाप द्वारे पर लागे छे बड़की मलकन से लागल देह पर कूदे ये बता अपनी राजकी दुसर कैसे है हां मलकन छा बड़े हैं आजकल और बेटी कंचन अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करती है हां छाए वह मिलाए जुलाए और महाराज महाराज तो शिकार खेलने के लिए गया है जंगल परी दीदी अच्छी है ना हाँ बड़की मलकान ठीक है बड़का मालिक शिव बाबा को पूजा करके खड़ा भी ली अमर तलवार को पूजा करने के लिए गए बेटी कंचन पर के अभी तक नहीं आए हैं ना कहाँ ही मैं देखे थे दो चार दिन से तीनों और मनाए आवे पैसा रहे थे राजा महाराजा के बेटी से वही
अथी आर नहीं मिले छे वो एना कर दे चलते के जे जाय छे कतर में अथी नहीं खिलवार है ऐसे को चौमिन से कहता है। हां रात चौमिन वाला यहां जा के खिया खाए रहा है चौमिन भी खाते हैं। प्रणाम मां खुश रहो बेटी कंचन पता आज मैं क्या देख रही हूँ तुम्हें उदासी आखिर क्या बात है बेटी बताओ क्या चीज की ललसा लगा है बताओ बेटी। हे माँ मैं इसी नहीं बताऊंगी पहले हमारे साथ अब सच कीजिए तब मैं बताऊंगी मुझे क्या चाहिए। आइए दोनों माय बेटी एक छो तो नहीं भले ले हम सट बहो तब अरे पागल वो सचना नहीं तोहरा के बेटी है सुनला है कनचान है या आहे हलिया बताई दिया दाहो हमारा के हलिया बताई है ना हो आहे हमारा के अलग लाला सामया हमारा के या अलग सापुराई दो जब हमारा के मैया मोरी सुन लाए फूला सुन कमार आल सा पुराई दालो जब बेटिया के देखो बेटी कंचा तुम्हें क्या चीज की ललसा लगा है बताओ और माँ बेटी विश्वास करने के लिए कहती हो आखिर कैसी सच करूं हम तो माँ हूँ तुम मेरी बेटी हो माँ बेटी में सच सच की क्या बात है बताओ बेटी। नहीं माँ जब तक आप सच नहीं करिए तब मैं नहीं बताऊंगी। यह बालिका है अकरा मन में है चाहे हमार छोटी माँ साथी से कोनो बात चीत कोनो काम धंधा सते पर हो चाहे कि यह मैं सच क्या लिया वहाँ साथी छिपे करिए ठीक है बेटी कंचन तुम यदि नहीं मानती हो तो मैं तुम्हारे साथ सच करती हूँ एक सच दो सच तीसरा सच कहना नहीं मानू तो ऐसे को नरक में वास होती बताओ बेटी। हे माँ मुझे तीन सामान चाहिए माँ। अरे कौन कैसी सामान है वो तीन सामान सामान के नाम तो बताओ। हे माँ उस सामान के नाम है चंदन चरखा और कटक खिलौड़ा और मरुन बाजा। बेटी इतनी छोटी सी सामान के लिए तुमने मेरी साथ सच कराई। हाँ माँ इसी तीन सामान के लिए मैंने आपसे सच करवाई। देखो बेटी ये तीन सामान इतनी खिलौना मैं ये तो कहीं से भी लाकर तुम्हें दे सकती हूँ। ठीक है माँ। हे माँ तुम कितनी अच्छी हो माँ हो कितनी अच्छी हो कितनी प्यारी हो प्यारी प्यारी हो ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ देखो बेटी। हाँ माँ अब यहाँ से तुम चली जाओ भोजन कर लेना और अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करना मैं ये तीन सामान तुम्हारे चाचा से कहकर मैं जरूर दूंगी। ठीक है माँ मैं जा रही हूँ।
ठीक है बेटी चाहो उकसोल को समय। अरे तरवानी स्कूल नहीं कहता है स्कूल कहता है देखो तुम्हारा माँ बाप पढ़ा ही नहीं है कभी कैसा था तो तुम्हारा मुँह नहीं आता था स्कूल में हमें गलिए गिलास मुड़ी अटैक किया। अरे पागल गिलास नहीं गिलास कहता है मैं कौन चीज दोनों माय बेटी बतियाए रो फुसुर फुसुर। देखो बेटी कंचन ने मेरी सास सास करवाई थी अच्छा वो मुझसे रूठी थी तो मुझे सत करना पड़ा सत कराई और एक तीन सामान मांगी थी चंदन चरखा कटक खिलौना मरवन बाजा मैं तो कहीं सत कहीं ली तुम्हें कहीं से भी लाकर खिलौना तीन सामान दे सकती मनिहारा वाला जब दोनों फूका हुआ पप्पू जी और दुकान में होते से बिथन पप्पू के ऐसा करो महाराज की खबर करो मैं महाराज से तीन सामान मांगी हम लोग महाराज से जरूर मांगूंगी। बात मलकन ठेकल हो रुदल मालिक के काम में किला मेला ठला सब जगह जाए रुदल मालिक है मलकन ता रौदा बैठा ना उन्हें थोड़ थोड़ा इधर यार लगे थे यार चल दे थोड़ थोड़ा है ऐसे को थरथराते थरथराते आए अब हेलो हेलो अरे क्या बात है ये प्रणाम खुशी रहे आएगा बा जल्दी चले रंग महल में क्या है महारानी बोला जाओ छोटे मालिक को बुला करके लाओ। अरे कैसा ऐसा ही जरूरी पड़ गया है कि राज दरबार में महारानी आ गया है मोबाइल चार्ज कर लिए। अरे बेहुदा मोबाइल बिजली में चार्ज किया जाता है आज का आइए हो जाए चला बताओ स्वामी जी के चरणों में एठी सादर दंड पर स्वामी जी के चरणों में सागर दंड प्रणाम मन से आशीष दीजिए स्वामी एति मन से आशीष दीजिए स्वामी एति सदा रहूं कल्याण खुशी रहिए महारानी ये तेरे पुसु खुशी रहे महारानी रे रे गर मोरक बेली का बार बार सुजन के फिर ही हमने हवेली छोड़कर रुदल सिंह के दरबार कभी नहीं आया था। आज क्या बात है तूने अपने हवेली छोड़कर रुदल सिंह का दरबार पहुंच गई।